तो हाय गाइस, कैसे हो? हाई सब बढ़िया होंगे। ठीक है, गाइस साथ चुके हैं पांडे सुपरस्टार रावण स्टार डाली प्रवास की काल की 289 AD के कोने एपिसोड में वापस। तो भाई आज चल रहा है डे नंबर 21 एंड थर्ड ऑफ वेडनेसडे। भाई देखिए, भाई क्या नंबर आता है वो दिखाई दे रहा है। देखो आज हॉलीडे है, आज छुट्टी है, हमें उम्मीद थी कि भाई थोड़ा सा हमें जंप है वो देखने को मिलेगा। और एज ऑफ नाउ जो गाइस मेरे को सिचुएशन दिख रही है, देखो तेलुगु वर्जन थोड़ा कहना होगा भाई ठंडा चल रहा है, बट जो हिंदी वर्जन का भाई नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, हमें जो वीकेंड में देखने को मिलता है ना सैटरडे संडे, यू जंप सरप्राइजिंग नंबर टोटली अनएक्सपेक्टेड। एंड एज आई नो आज के दिन में भाई हमें बड़ा ह्यूज जंप है वो देखने को मिल रहा है। भाई कभी कभी लगता है वीकडेज में भाई 300 करोड़ पता नहीं बट थोड़ा दूर दिख रहा है, बट जैसे कोई हॉलीडे आता है सैटरडे संडे भाई सडनली हमें बड़ा ह्यूज जंप है वो देखने को मिलता है। और ऐसा ना हो आज भी कुछ ऐसी सिचुएशन है वो देखने को मिल रही है, पर उससे पहले देखेंगे पहले 20 दिनों में कितना बिजनेस है वो हो चुका है और कल यस्टरडे की क्या हमें नंबर है वो देखने को मिला है। साउथ की स्टाइल्स में ही बताएंगे, ठीक है। एपी तेलंगाना में 1.01 करोड़ का यस्टरडे का भाई शेयर आया है, ट्यूजडे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कर्नाटका की ओर मूव करें लगभग 25 लाख का शेयर आया, तमिलनाडु में 15 लाख का शेयर आया, जो कि केरला में लगभग 17 लाख का शेयर आया। एंड हिंदी वर्जन की ओर मूव करें तो 1.50 करोड़ प्लस शेयर आया है, हाँ ये एस्टीमेट है। नेक्स्ट ओवरसीज की बात करें तो लगभग 1.70 करोड़ का शेयर आया, टोटल ऑफ 4.78 करोड़ शेयर। एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 10.35 करोड़। जय गाइस, अगेन बाय पिक्चर ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस डबल डिजिट प्लस बिजनेस है गाइस वो की है वीकडेज में। और ट्यूजडे कोई भाई हॉलीडे नहीं था और हमें अच्छा खासा भाई जंप है वो देखने को मिला। अभी भी भाई पिक्चर यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा भाई वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन निकाल रही है, जो कि हम साउथ में भाई काफ़ी कम ही देखते हैं कि तीसरा वीक्स वो भी तीसरा वीकेंड के वीकडेज चल रहे हो और हमें भाई मामला 10 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिले, ये काफ़ी मिनिमम, जो कि भाई कल की ऐसा करके दिखा रही है। और अब तक ये टोटल ऑफ बिजनेस जाएगा वर्ल्ड वाइड में फर्स्ट ऑफ 20 डेज में 1054 करोड़ से ज़्यादा है, 1054 करोड़ प्लस। और जल्दी भाई ये 1100 करोड़ में भाई एंट्री है वो लेने वाली है। और आज भाई डेडलाइन हो या फिर वैरायटी क्यों ना हो, 92.3 मिलियन बोल रहा है भाई डोमेस्टिक में बिजनेस है पहुंच चुका है, मतलब इंडियन रुपीज में लगभग 771-72 करोड़ के आसपास है। अब भाई किसी को नहीं दिख रहा तो भाई हम क्या ही बोले। देखो सलार के टाइम आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, ये वैरायटी हो या फिर डेडलाइन क्यों ना हो, भाई ये नंबर इतने ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे थे, मतलब कि जो मेकर्स ऑफिशियली फिगर दे रहे थे, जो कि हमारा नंबर भी कम था कंपैरिजन टू प्रोड्यूसर फिगर की यार, या वो थोड़ा सा भाई आगे जा रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, ऐसा सुनारियो नहीं है। आप सभी को पता है कि अभी क्या करने की कोशिश की जा रही है या फिर स्टार्टिंग से क्या करने की कोशिश है वो की गई, जो कि वो असफल रहे। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो आ गया सडनली इमरान हाशमी का, अब वो भाई उनका इंटरव्यू पहले का है या फिर अभी का है मुझे नहीं पता, बट उनको जब इसके बारे में पूछा गया कि आज के टाइम हम ये देखते हैं कि ऐसी कुछ मूवीज़ आती हैं जिनको 4-4.5 स्टार भी दिए जाते हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस में वो असफल हो जाती हैं। एंड सब हम ऐसा भी देखते हैं कि जिनको 2-2.5 बट बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा वो कलेक्शन भी निकालते हैं, कहना था कि मतलब ये बात क्या सच है कि 4-4.5 स्टार ये पेड स्टार है वो दिए जाते हैं। भाई उनका कहना था कि 2012-13-14 तक तो भाई ठीक था, फिर भी 3-3.5 स्टार किसी भी पिक्चर को दिए जाते थे तो भाई उसकी इंपॉर्टेंट थी, भाई 3-3.5 स्टार काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। और आज के टाइम भाई 4-4.5 स्टार कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इतने ज़्यादा भाई महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। एंड पब्लिक भाई काफ़ी इसको लाइटली ले लेती है और 4-4.5 वाली पिक्चर आज इजीली डिसास्टर हमने देखी है, क्योंकि उस टाइम पे 3-3.5 स्टार मतलब कि पिक्चर सुपरहिट या फिर ब्लॉकबस्टर है ही है। एंड सम का भाई उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया कि सम ऐसे लोग हैं भाई जो ट्वीट भी करते हैं पोस्ट करते हैं उनके नीचे कमेंट सेक्शन में एक फूड का रेफरेंस दिया जाता है। भाई ये कौन बोल रहा है पता है, इमरान हाशमी हैं, एक फूड का रेफरेंस दिया जाता है। अब क्या ये जो रेफरेंस दिया जाता है भाई एज अ प्रोड्यूसर लोगों को भाई उनको नहीं दिखता है क्या भाई आज के टाइम, क्या भाई पब्लिक इन लोगों को भाई सीरियस लेती है या फिर नहीं, फिर क्यों भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। चलो मूव करते हैं गए सब नंबर्स की और मैंने आपको बता ही दिया पहले 20 दिनों में भाई 1054 करोड़ से ज्यादा भाई बिजनेस है वो जा चुका है। और कर्नाटका के अंदर गए एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया भाई प्रवास ने, 6.30 करोड़ भाई कनाडा वर्जन, जो कि ये दब वर्जन है यहाँ पे कल्कि का, 6.30 करोड़ से ज़्यादा भाई बिजनेस है वो कर दिया, जो कि सलार का 6.25 करोड़ बिजनेस था, मतलब कि वो ओवरटेक कर दिया। एंड अब तक की बात करें भाई हम अपने इंडियन हिस्ट्री की, जो भी भाई कनाडा द वर्जन रिलीज हुए हैं तो सबसे ज़्यादा बिजनेस गाइस प्रवास ने करके दिखाया है,
6,30,00,000 जो कि सेकंड पोजीशन पे भाई उनकी पिक्चर है। सलार 6,25,00,000 जो कि कनाडा डब वर्जन में केवल दो ही मूवीज हैं जिन्होंने भाई 6,00,00,000 से ही ज्यादा बिजनेस किया है एंड दोनों के दोनों का इस प्रवास किया है। और आज के टाइम आप देखोगे भाई एज अ पैन इंडिया सुपरस्टार कोई है तो भाई नंबर वन पे प्रवास ही है वो हर एक कर्नाटका देख लो। एक टाइम था कि भाई तेलुगु मूवीज भी कर्नाटका के अंदर भाई स्ट्रगल करती थी और आज के टाइम भाई उनका वो घर बन चुका है। आप जूनियर एनटीआर की देवरा देख लो अच्छे खासे यहाँ पे प्राइस में वहाँ पे सोल्ड आउट हुए हैं। प्री रिलीज 25,00,000 से 30,00,000 इवन गेम चेंजर ले लो। इवन आप तेलुगु के हर एक स्टार को देखोगे भाई वो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। आप विजय देवरकोंडा को देख लो, आप भाई नानी को देख लो, आ राम पोथरानी को देख लो, मतलब कि वो अपना बड़ा बाजार बनाने की कोशिश है वो कर रहे हैं स्पेशली रेस्ट ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे कल परसों एक वीडियो आया मेरे सामने यहाँ पे अक्षय कुमार का, वो बोल रहे हैं कि पैन इंडिया क्या है भाई, पैन इंडिया क्या होता है भाई, उनको अब तक पता नहीं है। और ये सम रीज़न भी है कि अक्षय कुमार जो मतलब कैमरा के सामने बोलते हैं जो कि उनको खुद पता भी होता है फिर भी झूठ, ऐसा हमें लगता है। पता नहीं सच में उनको पता है या फिर नहीं है, बट इस चीज़ का भाई उनको पता होना चाहिए भाई, वो काफ़ी ओल्ड स्टार है। नाउ मूव करते गए सब नंबर्स की ओर। आज भाई कितना नंबर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ मैंने नॉर्थ अमेरिका का नहीं बताया, 9.30 करोड़ भाई कल के दिन बिजनेस किया है ग्रॉस एंड टोटल ऑफ अब तक हो चुका है $17.93 मिलियन। हमें लगा था कि शायद 20 दिन में ये 18 मिलियन को टच कर पाए कर सकती है जो कि ऐसा नहीं हो पाया। आज के नंबर भाई इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे एंड इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 149 करोड़ प्लस बिजनेस है वो हो चुका है। एंड लैंग्वेज भाई देखूँ तो भाई तेलुगु वर्जन 104 करोड़, हिंदी वर्जन 40.10 करोड़, 40 करोड़ से ज़्यादा हिंदी वर्जन। और अब तक की बात करें नॉर्थ अमेरिका में दब हिंदी वर्जन तो हाइएस्ट कलेक्शन करने के मामले में ये सेकंड पोजीशन पे है। एंड नेक्स्ट भाई तमिल 4,52,00,000 एंड मलयालम ऑलमोस्ट 50,00,000। मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है कि कोई तमिल वर्जन डोमेस्टिक में लगा हो या फिर ओवरसीज में लगा हो भाई ऑडियंस नहीं देखती क्यों यार। तमिल वर्जन अगर कोई तेलुगु वर्जन में लगाओ मतलब डब वर्जन या फिर हिंदी वर्जन भाई उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इंडिया हो या फिर ओवरसीज क्यों ना हो, बट तमिल ऑडियंस भाई कभी भी डब नहीं देखती। डोमेस्टिक में वही हाल है एंड ओवरसीज में भाई वही हाल है। ये कुछ भाई नज़ारा रहा नॉर्थ अमेरिका का। अब मूव करते हैं गाइस डोमेस्टिक में आज भाई हमें कितना नंबर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले भाई ओक्वेंसी देखेंगे। मॉर्निंग की गाइस कल 14% थी और आज 22 है भाई, अच्छा आसाम में जंप है वो देखने को मिला। आफ्टरनून की कल 20 और आज भाई 40 है, यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट डबल जंप देखने को मिला है। ये तेलुगु 2D की बात कर रहे हैं। सिटी भाई हैदराबाद में 241 में 16, I-250 में ऑलमोस्ट 27% है या यहाँ पे जंप। बेंगलुरु 91 में 16, आज 88 में 31 है, यहाँ पे शो ड्रॉप हुए हैं बट ऑक्युपेंसी मच बेटर। नेक्स्ट चेन्नई 6 में 13, आज 6 में 54 है भाई, 4-4 गुना जंप देखने को मिल रहा है। विजयवाड़ा में 70 में 12, आज 71 में 27 है, डबल जंप। नेक्स्ट भाई वरंगल में 27 में 22, आज भी ऑलमोस्ट 27 में 34 है, कहना होगा 40-50% यहाँ पे भी जंप है। गंतूर में 11 में 22, आज 13 में 40 है, डबल जंप है। विशाखापत्तनम 70 में 24, आज 70 में ऑलमोस्ट 44+ हमें ऑक्युपेंसी वो देखने को मिल रही है। तो आज तेलुगु वर्जन कंपैरिजन टू ट्यूजडे अच्छा खासा जंप है वो देखने को मिल रहा है। मूव करते हैं हिंदी 3D की और कल 9 थी आज 15 है, अच्छा खासा जंप है यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 से लेकर 80, आफ्टरनून की 15 और आज 27 है, 50 से ज़्यादा जंप तो है ही है। एंड मुंबई की ओर मूव करते हैं, सिटी बाई 257 में 14 और आई 262 में ऑलमोस्ट 22%, शोज भी इंक्रीज हुए हैं, ओक्वेंसी भी बेटर है। दिल्ली एनसीआर 432 में 11, आई 441 में ऑलमोस्ट 90% हमें ओक्वेंसी है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पुणे 110 में 11, आज 111 में 20% भाई डबल जंप यहाँ पे। नेक्स्ट हैदराबाद ऑलमोस्ट 15 में, कल भाई 3-4% ओक्वेंसी थी, आज 16 में 17% ओक्वेंसी है। कोलकाता 152 में 11, आई 142 में 24 है, 10 ड्रॉप हुए हैं बट ऑक्युपेंसी बेटर है। एंड अहमदाबाद में ऑलमोस्ट 51 में 6, आई 41 में ऑलमोस्ट 11% है। जयपुर में 60 में 15, आई 60 में 30 है, डबल जंप। नेक्स्ट लखनऊ में 95 में 12, आई 95 में ऑलमोस्ट 22% ऑक्युपेंसी है। तो भाई आज के दिन क्या बिजनेस आ सकता है, देखो ऑक्युपेंसी तो कल के मुकाबले आज काफी ज्यादा बढ़ी है। एंड अभी मैं शाम के 5 बजे तक का डेटा देखूं तो 3D वर्जन 1.97 करोड़ है एंड 86,570 प्लस फुटफॉल्स हैं, 3,000 शोज़ हैं एंड ओवरऑल 24% हमें ऑक्युपेंसी अब देखने को मिल रही है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट 2D वर्जन ऑलमोस्ट 89,00,000 प्लस एडवांस है, 50,682 फुटफॉल्स के साथ ऑलमोस्ट 2,643 शोज़ में 20% ऑक्युपेंसी है। 2D हो 3D वर्जन हो स्ट्रॉन्ग है, मैं दोनों को इंक्लूड करूँ तो ये समथिंग अराउंड जाएगा 2.86 करोड़,
नियरली 3 करोड़ शाम के 5 बजे तक। हाँ ये मैं क्लियर कर दूँ, डिस्क्लेमर वाइज बताना इंपॉर्टेंट भी रहता है, ये सिर्फ एक ऑनलाइन डेटा है, एक्चुअल में डेटा इसे थोड़ा हाई भी हो सकता है एंड ये भाई इसमें भाई ब्लॉक सीट्स भी हो सकती हैं। एंड यस्टरडे भाई सेम टाइमिंग था 1 करोड़ 60 लाख, भाई कहना होगा कि ऑलमोस्ट डबल जंप है भाई, आज 3 करोड़ के नियरली पहुँच चुका है। एंड बट कल नाइट के शो स्ट्रॉन्ग थे, जो गाइस आज नाइट के शो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो नहीं जाएंगे, कल वर्किंग डे है। बट मंडे का 1 करोड़ 50 लाख था सेम टाइमिंग, 1 करोड़ और आ गया था। आज मंडे जैसे भी नाइट की ऑक्युपेंसी रही तो भाई आप फिर भी 4 करोड़ के आसपास पकड़ सकते हैं, थोड़ा बेटर रहा तो 4 से लेकर 4.5 करोड़ आप पकड़ लो भाई, हिंदी नेट इजीली आ सकता है 4 से लेकर 4.5 करोड़ के आसपास, जो कि तेलुगु वर्जन मुझे कहीं ना कहीं 1.75 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के आसपास दिख रहा है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है 1.75 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के आसपास, दोनों को मैं इंक्लूड करूँ 6 से लेकर 6.5, बचा अनदर लैंग्वेज 80-90 लाख के आसपास पकड़ लो, मतलब कि 7 से लेकर 7.5 करोड़ के आसपास आज डोमेस्टिक नेट है गाइस वो आने वाला है, तो गाइस काफ़ी अच्छा अमाउंट है। हमने देखा मंडे टू ट्यूजडे हमें 20 से 22 ज़्यादा जंप है वो देखने को मिला है, और अगेन यहाँ पे ट्यूजडे टू वेडनेसडे हमें बड़ा जंप है वो देखने को मिल रहा है। कहना होगा कि वीकडेज काफ़ी अच्छे रहे हैं, यहाँ पे थर्ड हाफ वीक में वर्ल्ड वाइड में 11 से लेकर 12 करोड़ तक भाई इजिली आ सकता है। एंड हिंदी वर्जन की बात करें तो 260.65 हमारे पास भाई नंबर है पहले 20 दिनों में। हाँ अभी मंडे ट्यूजडे भाई मेकर्स ने ऑफिशियली फिगर तो नहीं दिया एज अ प्रोड्यूसर, हम अर्ली इस्टिमेट के हिसाब से भाई आगे बढ़ रहे हैं, तो ये 4-4.5 और आ जाता है तो ये 265 करोड़ तक जाएगा। 265 हमें कितना चाहिए आगे आरआर को ओवरटेक करने के लिए, केवल ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास, तो ये फोर्थ ऑफ वीकेंड तक भाई उसको ओवरटेक है वो कर देगी। और ये हिंदी डब की बात करें तो बाहुबली 2 KGF 2 आफ्टर थर्ड हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली पिक्चर है वो बन जाएगी, जो कि विदाउट फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट, मतलब कि कोई सेकेंड पार्ट नहीं है, कोई सीक्वल नहीं है, तो ये हाईएस्ट कलेक्शन करने वाला पिक्चर है गाइस वो बनने जा रही है, बस थोड़ा सा हमें और वेट है वो करने है। और 24 की बात करें तो भाई हिंदी में तो हाईएस्ट कलेक्शन करने वाला पिक्चर तो है ही है, एंड ऊपर से बड़ी ब्लॉकबस्टर भी, ओनली फॉर हिंदी वर्जन की बात कर रहे हैं। तो यही था भाई आज का एपिसोड, तो आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा, बाकी डे वाइज सिनेमास बुकी और डे वाइज कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो सब कुछ अपडेट्स आपको इसी पर मिलता रहेगा, तो करके रहो भाई जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह अपडेट वीडियोज के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।